हम हार्दिक स्वागत करते हैं नाइलिट भवन के उद्घाटन के सुअवसर पर माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का, माननीय राज्य मंत्री श्री पीपी चौधरी जी का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय कर्नल रिटायर्ड देवेंद्र सहरावत, ऑनरेबल एमएलए विश्वासन जैली, श्री संजीव मित्तल जॉइंट सेक्रेटरी एंड ग्रुप कोऑर्डिनेटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा डायरेक्टर जनरल नाइलिट, सेक्रेटरी श्रीमती अरुणा सुंदरराजन यूएसए विजिट पर गई हैं और इस कार्यक्रम में वे आ नहीं पाई हैं। कहते हैं कि मेघ और मेहमान बड़े भाग से पधारते हैं, अतिथि सत्कार के संस्कार को निभाते हुए हम माननीय सम्माननीय मेहमानों का स्वागत करना चाहते हैं। हम माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का स्वागत फूलों से करने के लिए गुजारिश करते हैं मिस सलमा अयूबी से कि कृपया माननीय मंत्री जी श्री रविशंकर प्रसाद जी का स्वागत फूलों से करें। माननीय राज्य मंत्री श्री पीपी चौधरी जी का अभिनंदन फूलों से करेंगी मिस दमनदीप कौर। माननीय कर्नल देवेंद्र सहरावत का स्वागत करने के लिए हम मिस भारती मेहरा से निवेदन करते हैं। हमारा निवेदन है रश्मि अग्रवाल से कि कृपया श्री संजीव मित्तल का स्वागत करें। डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा डीजी नाइलिट का स्वागत करेंगी शशि शर्मा। और अब हम श्री जनकराज रजिस्ट्रार नाइलिट से अनुरोध करते हैं कि कृपया सभी के स्वागत में माननीय मंत्री जी के स्वागत में संबोधन दें। धन्यवाद मनीषा जी। मंचासीन माननीय केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय श्री रविशंकर प्रसाद जी, केंद्रीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय श्री पीपी चौधरी जी, सांसद महोदय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी अभी थोड़ी देर में पधारने वाले हैं, विधायक महोदय कर्नल देवेंद्र सहरावत जी, संयुक्त सचिव श्री संजीव मित्तल जी, महानिदेशक नाइलिट डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा जी, उपस्थित सभी आदरणीय अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, नाइलिट के मेरे योग्य साथी, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के जागरूक मित्रगण, इस उद्घाटन समारोह में मैं आप सभी महानुभावों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आप सबने अपना बहुमूल्य समय इस उद्घाटन समारोह को प्रदान किया, आप सभी का सहस्र धन्यवाद और कोटि कोटि अभिनंदन। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहूँगा कि उद्घाटन के लिए तैयार इस नाइलिट भवन का निर्माण तय समय सीमा से पहले हुआ है, जो बहुत ही सराहनीय उपलब्धि है। इसका श्रेय हम माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग, नाइलिट महानिदेशक की अगुवाई और CPWD की दक्षता एवं उच्च स्तरीय कार्यशैली को देना चाहेंगे, जिससे इस भवन का निर्माण कार्य तय समय सीमा से पहले पूर्ण हो सका और आप सभी भी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। आज इस पावन अवसर पर मैं एक और अद्भुत संयोग का उल्लेख करना चाहूँगा कि आज जो विशिष्ट अतिथिगण इस भवन के उद्घाटन समारोह के लिए मंच पर उपस्थित हैं, इन्हीं के करकमलों द्वारा एवं उपस्थिति में इस भवन की नींव भी रखी गई थी। अतः हम सौभाग्यशाली हैं कि इस भवन के दोनों महत्वपूर्ण पलों, शिलान्यास समारोह और उद्घाटन समारोह में आप शामिल हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान सरकार एक ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए प्रयासरत है जो सीधे तौर पर रोजगार एवं आजीविका उपलब्ध कराने में सक्षम हो। नाइलिट भी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास कार्य में कार्यरत है, जो सीधे तौर पर नौजवानों के रोजगार और आजीविका को सुनिश्चित करता है। हम माननीय मंत्री जी एवं आप सभी को आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस तरह से आप सदैव नाइलिट के लिए उपलब्ध रहते हैं और अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करते रहते हैं, हम सब भी इस सरकार और देश की आशाओं पर हमेशा खरा उतरेंगे। नाइलिट आने वाले समय में अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी के साथ शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देता रहेगा और देश के विकास में अपनी भागीदारी प्रदान करता रहेगा।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज नए भवन में प्रवेश के साथ ही नाइलिट का प्रत्येक कर्मचारी एक नई ऊर्जा शक्ति के साथ गुणात्मक तरक्की करते हुए देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में भागीदार होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः यहां पधारे हुए सभी अतिथियों का अभिनंदन करते हुए इस नवनिर्मित नाइलिट भवन के उद्घाटन समारोह में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद श्री जनक राज। हमारे यहाँ परिपाटी रही है कि किसी भी शुभ कार्य के प्रारंभ में दीप प्रज्वलित किया जाता है। कहते हैं कि इससे ऊपर वाले का आशीर्वाद और अपनों की शुभकामनाएं साथ जुड़ जाती हैं। हम माननीय मंत्री महोदय श्री रविशंकर प्रसाद जी और माननीय राज्य मंत्री महोदय श्री पीपी चौधरी जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि मणिदीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत करें और मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय अतिथियों से भी निवेदन है कि कृपया इस शुभ कार्य में वे भी सम्मिलित हों। दियों ने हमेशा रोशनी की बात की है और डिजिटल इंडिया की रोशनी से सचमुच आज भारत जगमगा रहा है। रुक रही नाव हो, जोर का बहाव हो, आज गंगधार पर ये दिया बुझे नहीं। यह स्वदेश का दिया प्राण के समान है, देश पर समाज पर ज्योति का विधान है। दीप को प्रज्वलित करने से माहौल ईश्वरीय हो जाता है, रूहानी हो जाता है। असतो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। असत्य से सत्य की ओर ले चल, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल, हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आजकल राष्ट्र एक नई अनुभूति में जी रहा है। नाइलिट भी न्यू इंडिया के नए नए डिजिटल कीर्तिमानों के साथ महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, वंचितों तक पहुंचकर उन्हें डिजिटली सशक्त बना रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट और डिजिटल लिटरेसी में भी नई नई मिसाल स्थापित कर रहा है। अपने विशाल नेटवर्क के जरिए 36 अपने सेंटर्स, 700 एक्रेडिटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, 9000 फैसिलिटेशन सेंटर्स के जरिए हर साल लगभग 7 लाख कैंडिडेट्स को प्रशिक्षित करके अभी तक 50 लाख कैंडिडेट्स को प्रशिक्षित कर 23 लाख कैंडिडेट्स को ई सर्टिफिकेट भी प्रदान कर चुका है। नाइलिट के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा नाइलिट के जरिए ग्रामीण युवाओं की उम्मीदों को नए पंख दे रहे हैं और उनकी उड़ान को एक नई परवाज दे रहे हैं, उसमें लगातार लगे हुए हैं। हमारा आपसे आग्रह है डॉक्टर शर्मा कि कृपया आज के शुभ दिन अपने विचार प्रकट करें। माननीय केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिकी एंड सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय श्री रविशंकर प्रसाद साहब, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय श्री पीपी चौधरी साहब, माननीय विधायक महोदय कर्नल देवेंद्र सड़ावत साहब, संयुक्त सचिव श्री संजीव मित्तल साहब, अन्य विभागों से पधारे अतिथिगण, माइटी एवं नाइलिट परिवार के सदस्यगण, मीडिया से पधारे सभी साथीगण, भाई और बहनों, आज ये सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री महोदय का, दोनों माननीय मंत्री महोदय का और जो डायस पे विराजमान अतिथिगण हैं आपका और आप सब जो पधारे सबका सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आज ये बहुत ही सुंदर मेला है और ये इसके लिए सुंदर है हमारे लिए क्योंकि मुझे याद है लगभग दो वर्ष पहले माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा इस बिल्डिंग का नींव डाली रखी गई थी और शायद जब माननीय मंत्री महोदय ने जैसे दिशा निर्देश दिए थे कि ये बिल्डिंग दो साल के अंदर बननी चाहिए उस समय मैंने हाथ उठाया था और जिस तरह का एक वातावरण है, एक सिस्टम है, उसको देख के ऐसा लग रहा था कि शायद ऐसा संभव नहीं होगा, पर ये विधाता का धन्यवाद है, सहयोग है, आशीर्वाद है और माननीय मंत्री महोदय और सचिव महोदय, जॉइंट सेक्रेटरी महोदय और नाइलिट टीम का एक सहयोग रहा कि हम लोग इसको रिव्यू करते रहे और CPWD और CPWD के बिहाफ पे जो ठेकेदार हैं उन्होंने बहुत ही कम समय में और जिस तरह माननीय मंत्री महोदय का एक सोच था कि ये बिल्डिंग एक बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ये एक डिजिटल इंडिया का एम्पावरमेंट सेंटर होना चाहिए, उसके रूप में पनप के आई है। और जब आप इस बिल्डिंग को देखेंगे आप देखेंगे कि हमने जो भी भारत सरकार की सोच है जैसे कि हरित क्रांति, तो हमने पूरे प्रयास किए हैं कि यहाँ पे प्लांटेशन खूब हो। जहाँ तक कि सरकार का सोच है कि सोलर एनर्जी यूज की जाए, तो हमने पूरे प्रयास किए हैं कि जो 600 किलोवाट लोड हमारा यहाँ रहेगा उसमें से 100 किलोवाट का जो जनरेशन है हमने सोलर पैनल लगाए हैं ऊपर, उसके माध्यम से जनरेट करेंगे। इसी तरह हमने पूरे प्रयास किए हैं
कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, क्योंकि ये दिल्ली जैसे शहर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमने इसमें प्रयास किए हैं कि वो रहे। और जो सिस्टम है यहाँ पे बिजली के और पानी के, वो सेंसर बेस्ड है, जिससे कि जितना जरूरत है उतना ही कंजम्पशन हो। ऐसा नहीं हो कि जनरली जैसा सरकारी विभागों में होता है कि लाइट जलती रहती है, पानी बहता रहता है, उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। इस बिल्डिंग में लगभग ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर है, जिसके अंदर करीब लगभग 55,000 स्क्वायर फीट बिल्टअप एरिया हमें मिला है, जिसका हम उपयोग कर सकेंगे। और इसके ऊपर लगभग 43 करोड़ की लागत आई है, और 10 करोड़ का जो अभी काम बाकी है फर्निशिंग का और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट का, वो मेरे हिसाब से 2-3 महीने में पूर्ण हो जाएगा। जहाँ तक नालिट का सवाल है, जैसे मिसेस दुबे ने अभी बताया या जनक ने रजिस्ट्रार साहब ने बताया अभी, कि नालिट का सबसे बड़ा एक जो योगदान है वो ये है कि नालिट उन लोकेशन पे ऑपरेट कर रही है जहाँ पे कोई भी आदमी कॉमर्शियल वेंचर नहीं करना चाहता है, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे कारगिल हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो हमारा केकड़ी जो कि 80 किलोमीटर दूर है अजमेर शहर से। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि हमारा जो मेन दायित्व है या जो मेन हमारा एक रोल है, वो है कि आम नागरिक तक, छोटे शहरों तक हम पहुँचे। और ये बात का जिक्र माननीय मंत्री महोदय अपने हर रिव्यू मीटिंग में कहते हैं कि हमें टायर 2 टायर 3 सिटी में भी अब जाना चाहिए। और उसी दिशा निर्देश की पालना में नालिट ने ये प्रयास किए कि जो हमारे 22 सेंटर थे अगस्त 12 में, वो बढ़ के अभी करीब 36 हो गए हैं, और हमें आशा है कि जुलाई 15 तक शायद हम 40 टच कर लें, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने दिशा निर्देश दिए हैं कि आप बनारस, बक्सर, मुजफ्फरपुर, हरिद्वार और इस तरह के जो वाराणसी, इन तरह के अन्य शहरों में भी अपने सेंटर का स्थापित कीजिएगा। मैं ये इस मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, नालिट ने अपने सरप्लस से जनरेट किया है, इसमें हमें भारत सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। ये मेरे हिसाब से शायद माइटी की या भारत सरकार की कई संस्थाओं में से कुछ संस्थाएं हैं जो स्वयं के पैसे से अपनी बिल्डिंग बनाती हैं, उनमें से नालिट को एक मौका मिला है। और इसका कारण ये रहा कि पिछले 4-5 वर्षों में माननीय मंत्री महोदय के दिशा निर्देश में माइटी के सहयोग से नालिट, जिसका कि टर्नओवर करीब 112 करोड़ था, वो बढ़ के पिछले 4 साल में 330 करोड़ हुआ है। और इसी तरह जो सरप्लस लगभग 8 करोड़ था, वो बढ़ के करीब 62 करोड़ हुआ है। और इसी तरह जो स्टूडेंट हमारे लगभग 1.25 लाख थे, वो बढ़ के 7 लाख सालाना हुए हैं। तो इससे पता लगता है कि फिजिकल, फाइनेंशियल और प्रेजेंस तीनों की ग्रोथ हुई है। मैं माननीय मंत्री महोदय को, जो अतिथिगण यहाँ पे विराजमान हैं, उनके बताना चाहूँगा कि नालिट, और ये सब इसी कारण हुआ है कि नालिट ने अपने सिस्टम में टेक्नोलॉजी का पूरा यूज किया है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय भी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं हर सभा में, हर रिव्यू मीटिंग में, कि हमें यदि आम नागरिक तक कोई सुविधा या सेवा देनी है तो हमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करना पड़ेगा। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए जो ग्रोथ मैंने आपको बताई, वो उसका मेन मुख्य कारण यूज ऑफ टेक्नोलॉजी रहा। और उसका चश्मदीद गवाह आज हम जो 3 एक्टिविटीज जो इनॉग्रेट करेंगे, वो आपको विजिबिलिटी दिखाएंगे कि किस तरह हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। साथ साथ हमने प्रोसेस इंजीनियरिंग खूब की है, जहाँ पे कि जैसे अभी एक हम पोर्टल जो लॉन्च कर रहे हैं, उसमें ये कि जो अक्रेडिशन जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स बनते हैं, जो कि लगभग आज की तारीख में 750 से ज़्यादा हैं, वो ऑनलाइन की जगह पहले फिजिकल सिस्टम में करीब 10,000, 12,000, 8,000 पेजेस की एक डॉक्यूमेंट इतनी मोटी भेजा करते थे। हमने उसको कम करके एक एफिडेविट बेसिस पे आधारित किया, और आज जो माननीय मंत्री महोदय के कर कमरों द्वारा जो एप्लीकेशन का जो लॉन्च होगा, उसके बाद वो ऑनलाइन हो जाएगा। कोई भी जो अक्रेडिटेड पार्टनर है, उसको डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑनलाइन अपने डिटेल्स भरेगा। इसी तरह जो नालिट के कोर्सेज चलते हैं, उसमें जो आम नागरिक, जो आम स्टूडेंट था स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र का, उसको 4 सब्जेक्ट पास करने के बाद सर्टिफिकेट मिलता था। क्योंकि स्किल मिनिस्ट्री, जो इस नई सरकार की नई सोच थी, उसके तहत जो मंत्रालय है, उसने ये कहा कि जो भी 80 घंटे से ऊपर का कोर्स वो रीस्किलिंग में आता है, वो 200 घंटों से ऊपर का कोर्स स्किलिंग में माना जाएगा। उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि सब्जेक्ट वाइज हम सर्टिफिकेट्स देंगे। उसका मुख्य कारण है कि जैसे ओ लेवल के कोर्स में 4 सब्जेक्ट होते हैं, और यदि एक विद्यार्थी सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का भी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेता है, तो उसको कम से कम सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की जॉब के लिए एक अपॉर्चुनिटी खुलती है। इसके साथ साथ हमने कोर्सेज के अंदर सॉफ्ट स्किल्स को डाला है, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मंत्री महोदय
और माइटी के सभी लोगों का सोच है कि जो भी कोर्स नाइलिट चला है वो एम्प्लॉयमेंट से लिंक होने चाहिए। उसी बात को ध्यान में रखते हुए सॉफ्ट स्किल्स को डाला गया है और यही प्रयास है कि जो भी कोर्स हम चलाएं उसमें कम से कम 5 से 10% ड्यूरेशन हमारा सॉफ्ट स्किल के ऊपर हो, जिससे कि बच्चे का पहनावा कैसा होना चाहिए, बच्चे को किस तरह इंटरव्यू एड्रेस करना है, किस तरह बात करनी है, किस तरह अपनी सीवी बनानी है, उसका ज्ञान हो सके। उसके साथ साथ हमने आज एक जो माननीय मंत्री महोदय ने कई बार इस बात का जिक्र किया है कि जो एनीवेयर एनी टाइम ये एक हमारी सुविधा होनी चाहिए। मुझे ये बताते हुए बड़ा फख्र है कि नाइलिट के जो CCC कोर्स है वो 22 लैंग्वेज में ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट पोर्टल पे अवेलेबल है और अब हमने उसमें से मोबाइल बेस्ड करीब 11 कंटेंट्स कन्वर्ट किए हैं, जो कि 11 भाषाओं में कंटेंट्स तो सभी कर लिए हैं परंतु 11 भाषाओं में मोबाइल पे भी उपलब्ध हो गए हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो कोई भी विद्यार्थी CCC का बेसिक लिटरेसी कोर्स करना चाहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकता है, खाली उसको ₹500 का एक पेमेंट करके हमसे सर्टिफिकेशन का एग्जाम देना पड़ता है जो हम एक सर्टिफाई करते हैं। साथ साथ सबसे अच्छी बात यह रही है कि हम जो जितने भी हमारे बाकी कोर्सेज हैं उसके भी कंटेंट्स को हमने ई कंटेंट में कन्वर्ट किया। ये कंटेंट कुछ समय के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, बाद में पेमेंट बेसिस पे होंगे और यही एक विस्तार रूप लेके जैसे कि सचिव महोदया कई बार कह चुकी कि डिजिटल यूनिवर्सिटी के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए नाइलिट को, उसी का एक छोटा रूप है। बाद में यही प्लेटफॉर्म बड़ा होते होते डिजिटल यूनिवर्सिटी का एक रूप ले पाएगा, इसका भी आज हम माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा विमोचन करवाएंगे। एक साथ साथ जो भारत सरकार की जो सोच रही है स्वच्छ भारत, डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, डिजिटल लिटरेसी, इसमें भी नाइलिट अपना पूरा योगदान दे रहा है, पूरा इसको एक मिशन की तरह रोल आउट कर रहा है। मुझे कहते हुए इस बात का भी खुशी है कि लगभग 1,35,000 युवाओं को और आम नागरिक को हमने डिजिटल लिटरेसी से जोड़ा है, उनको डिजिटल लिटरेसी का पार्ट पढ़ाया बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी सपोर्ट के। साथ साथ जो हमारे डिजिटल पेमेंट का एक जो भारत सरकार का सोच था, जो बहुत बढ़िया एक सोच है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए या एक करप्शन को कम करने के लिए जो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है, और ऐसा लगता है कि उसमें ट्रेडर्स जो भाई बंधु है हमारे व्यापारी भाई बंधु उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो हमने ये पूरे प्रयास किए हैं कि व्यापारी भाई बंधुओं को भी हम रीजनल वर्कशॉप और अन्य वर्कशॉप के माध्यम से डिसीजन मेला लगा के उनको भी इसमें हम जोड़ रहे हैं और इसमें हमने करीब 8,000 लोगों को जोड़ा है अभी तक और हमारे प्रयास है कि हम और भी इसमें आगे बढ़ें। अपना ये उद्घोषण मैं समाप्त करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि भारत सरकार का एक GST पे बहुत बड़ा एम्फेसिस है और उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने ऑलरेडी माननीय मंत्री महोदय को एक फाइल भी सबमिट की है। मैं माननीय मंत्री महोदय फाइनेंस से भी मिला था पर्सनली और हमने उनसे निवेदन किया कि यदि ये रोल GST स्किलिंग का हमें मिलता है तो हमारी प्रेजेंस को देखते हुए हम अच्छा कर सकते हैं। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अर्जुन नेगवाल साहब जो माननीय मंत्री फाइनेंस मिलते हैं वो अभी गैंगटॉक गए थे और उन्होंने नाइलिट का सेंटर देखा और उन्होंने मुझे वहीं से फ़ोन करके बोला कि शर्मा जी हम चाहते हैं कि एटलीस्ट आप गैंगटॉक के अंदर GST स्किलिंग का कार्यक्रम चालू करें और मैं माननीय मंत्री महोदय से यदि हमें आशीर्वाद मिलता है तो हम चाहेंगे कि पूरे देश के अंदर GST स्किलिंग का काम भी नाइलिट करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय, माननीय राज्य मंत्री महोदय, माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, माननीय MLA साहब, संयुक्त सचिव मित्तल साहब, यहाँ पधारे सभी अतिथिगण और मीडिया के साथियों का पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि खुशी की बेला इस बात की है कि ये शायद कभी मौका मिलता है किसी को कि वो नींव रखे और उसका उद्घाटन करे। ये मेरे हिसाब से गवर्नमेंट सिस्टम में बहुत टफ होता है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उन्हीं माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जिन्होंने बिल्डिंग की नींव रखी थी उन्हीं के कर कमरों द्वारा आज बिल्डिंग का उद्घाटन होगा। पुनः आप सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेस्ट दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी पधार चुके हैं, हम उनका स्वागत करते हैं और मैं जगजीत कौर से निवेदन करती हूं कि उनका स्वागत करें। अब हम श्री संजीव मित्तल, जॉइंट सेक्रेटरी NGCHR मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपसे निवेदन करते हैं कि इस अवसर पर अपने उद्गार प्रकट करें। परम आदरणीय माननीय मंत्री जी,
श्री रविशंकर प्रसाद जी, माननीय राज्य मंत्री जी श्री पीपी चौधरी जी, माननीय सांसद जी श्री प्रवेश साहिब सिंह जी, माननीय विधायक जी कर्नल साहब, डीजी नाइलेट श्री शर्मा जी, यहाँ उपस्थित आए हुए सभी नाइलेट परिवार के सदस्यों, मंत्रालय के अधिकारियों, देवियों और सज्जनों तथा मीडिया के बंधुओं, आज ये बहुत ही खुशी का मौका है कि नाइलेट, जो कि हमारे मंत्रालय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑटोनोमस बॉडी है, उसका जो हेडक्वार्टर का कार्यालय है, जिसकी नींव हमारे माननीय मंत्री जी ने 2 साल पहले रखी थी, उसका विधिवत उद्घाटन हमारे माननीय मंत्री जी के हाथों से हो रहा है। जैसा कि अभी डीजी साहब ने कहा, ये बहुत ही खुशी की बात इसलिए और भी हो जाती है कि हमारे माननीय मंत्री जी श्री रविशंकर प्रसाद जी ने ही इसकी फाउंडेशन रखी थी और आज वो अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद यहाँ उन्होंने समय निकाल कर हमारे बीच आए हैं इसका विधिवत उद्घाटन करने के लिए। इसके लिए हम मंत्रालय की ओर से और आप सभी की ओर से उनके बहुत आभारी हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में हमारे मंत्रालय का तो विशेष भूमिका है ही, साथ ही नाइलेट जो है उसके पैन इंडिया प्रेजेंस के कारण इसके 36 सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया और निकट भविष्य में 7 सेंटर और 1-2 महीने के अंदर शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं, अब देश के हर राज्य में एक नाइलेट का सेंटर खोला जाएगा। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पे नाइलेट की प्रेजेंस नहीं है, इसमें निर्देश आए हैं माननीय मंत्री जी के और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द वहां के स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ बात करके उपयुक्त स्थान को ढूंढकर वहां पे केंद्र स्थापित किए जाएंगे। डिजिटल इंडिया में नाइलेट का बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान है, जो हमारे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें नाइलेट प्रत्येक वर्ष 7 लाख से ऊपर प्रशिक्षार्थियों को ट्रेन करता है और ये फिगर जो है पिछले 2-3 सालों में सर बहुत आगे बढ़ी है। इसमें नाइलेट परिवार के प्रत्येक कर्मचारी का, प्रत्येक अधिकारी का, उसके फैकल्टी मेंबर्स का बहुत ही अहम योगदान है। ये जो आज हेडक्वार्टर की बिल्डिंग का जो उद्घाटन हो रहा है, धीरे से 1-2 महीने के अंदर पूरा कार्यालय जो है मुख्यालय यहाँ इनका ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पर इनके पास लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, लेटेस्ट इनके टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं और अवश्य ही इनको आगे के अपने प्रोग्राम्स चलाने में और अधिक मदद और सहायता मिलेगी। मैं इस मौके पर नाइलेट परिवार के सभी सदस्यों का वो बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में नाइलेट जो अभी तक अच्छा काम किया है उन्होंने, उससे और भी अच्छा काम वो करके आएंगे और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को और आगे बढ़ाने में पूरी मदद करेंगे। इन्हीं बातों से मैं अपने बात को यहाँ समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद श्री संजीव मित्तल। और अब हम विनम्र आग्रह करते हैं एमएलए बिजवासन दिल्ली माननीय कर्नल देवेंद्र सहरावत आपसे कि कृपया इस विशेष मौके पर हम सभी को संबोधित करें। आदरणीय माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी, हॉन्ब्ल मिनिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी, लॉ एंड जस्टिस, हॉन्ब्ल श्री पीपी चौधरी जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, श्री प्रवेश वर्मा जी, हॉन्ब्ल मिनिस्टर वेस्ट दिल्ली, श्री संजीव मित्तल जी, जॉइंट सेक्रेटरी अश्विनी कुमार जी, आज मेरे लिए
सौभाग्य का मौका है कि मैं मंत्री जी के साथ आज इस समारोह में शामिल हो सका और ये अपने आप में एक कीर्तिमान रिकॉर्ड ऑफ सम सॉर्ट होगा कि इतनी जल्दी इस समय में जो है ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ और एग्जीक्यूट भी जो है इसको पूरा कर दिया गया। तो वो सचमुच में इस पूरी टीम का, मैनेजमेंट का और जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी दक्षता, कुशलता और इसमें इन्वॉल्वमेंट को दर्शाता है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो है आज के दिन वो एक देश में एक फोर्स मल्टीप्लायर है। हमारे पास जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, जो हमारे पास जो आज का युवा है, उसके लिए डिजिटल ट्रेनिंग एक वो टूल है जिससे कि एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, ये सारी हर चीजें, ये ऑप्शंस उसको मिल सकती हैं। और जो डिजिटल होने का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, उसके मल्टीपल जो है लाभ है, एवेन्यूज है, एडवांटेजेस हैं। एक उदाहरण मैं अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब से बात कर रहा था, जैसे आधार कार्ड है तो जो वोटर लिस्ट है जिनमें डुप्लीकेशन है, बोगस वोटिंग का जो मामला है, सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, तो आधार कार्ड को अगर जो वोटर लिस्ट के साथ लिंक किया जाए तो आपकी जो वोटर लिस्ट है वो सैनिटाइज हो जाएगी, उसमें डुप्लीकेशन नहीं रहेगी, उसमें कहीं पर भी जो है बोगस वोटिंग नहीं रहेगी। दिल्ली में ही 30 से 40 लाख जो है बोगस वोटर्स या डुप्लीकेट वोटर्स होने की जो है बातें थी। तो इस तरह की बहुत सारी इश्यूज हैं जहां पर की टेक्नोलॉजी जो है, दिल्ली का ट्रैफिक जैसे है, जो ऑड इवन स्कीम करी गई थी उससे हटकर अगर स्टडी करवाएं और मोबाइल फोन्स जो कि आपके गूगल मैप से अगर लिंक हो तो पूरे दिल्ली के ट्रैफिक को मैप किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है और जो मौजूदा रोड स्पेस है उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह की सारी जो चीजें हैं मंत्री जी उनको करवा रहे हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, मैं मुबारकबाद देता हूं। और एक और छोटा सा आग्रह करूंगा कि भूमि अधिग्रहण से प्रभावित जो इस इलाके के, इस क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं उनको किसी तरह की सम सॉर्ट ऑफ प्रायोरिटी अगर यहां पर जो है ट्रेनिंग में और इन सब चीजों में दी जाए, उसको अगर कंसिडर किया जाए तो मैं आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। धन्यवाद माननीय। अपने पूज्य पिता के आदर्शों पर चलकर आज युवा एमपी के रूप में उभरे हैं माननीय श्री प्रवेश साहेब सिंह, एमपी वेस्ट दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी। माननीय, हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने बहुमूल्य विचार आज के इस खास मौके पर प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी और पीपी चौधरी जी का कि उन्होंने इस क्षेत्र को यहां पर हेडक्वार्टर बनाने के लिए सोचा। और लगभग 2 साल पहले ऐसा ही मंच था और रविशंकर जी आए थे, कर्नल देवेंद्र सहरावत उसमें थे, मैं भी था। उस समय पीपी चौधरी जी मंत्री नहीं बने थे। अभी इजाफा ये हुआ है कि हमें एक स्टेट मिनिस्टर और मिल गए और लगभग वैसा ही आज मंच है और मुझे लग रहा है वैसे ही लगभग बहुत सारे लोग उस समय भी यहाँ पे बैठे हुए थे। ठीक 2 साल पहले 15 मई को हमने यहाँ पे, हमारे मंत्री जी ने, रविशंकर जी ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था। तो मैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को CPWD ने ये बनाया, CPWD के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को और NIELIT के सभी ऑफिसर्स को इस बात की बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 2 साल पहले ये बोला था कि हम इसको 2 साल से कम में बना देंगे और आज तारीख है 6 चाहिए ना, तो 15 मई को अभी बचे 9 दिन, तो 9 दिन पहले आपने ये बन तो गया होगा मगर आज फंक्शन 9 दिन पहले। तो जो
कहते वो करते, ऐसे ये नाइलेट डिपार्टमेंट है। द्वारका एक बहुत सुंदर सब सिटी बनता जा रहा है। आप में से बहुत लोग द्वारका में रहते भी होंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का यहाँ पर हेडक्वार्टर बनते जा रहे हैं। पीएफ का, ईएसआई का भी यहाँ पे हेडक्वार्टर है और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट के यहाँ पे हेडक्वार्टर बनते जा रहे हैं। अच्छा चौड़ी सड़कें, पहले पीने का पानी की प्रॉब्लम थी, अभी वो भी सॉल्व हो गए। एयरपोर्ट बिल्कुल पास है, साउथ दिल्ली सेंट्रल दिल्ली एकदम पास है। रेलवे स्टेशन गुड़गांव, ये सारी जो कनेक्टिविटी है उस हिसाब से एक हेडक्वार्टर के लिए अप्रोप्रिएट जगह है। बहुत अच्छी सुंदर बिल्डिंग बाहर से दिखाई दे रही है, अभी अंदर से देखना बाकी है। किसी भी संस्था को चलाने में सबसे पहला होता है प्लानिंग करना, तो मंत्री जी ने ये प्लानिंग किया होगा, डिपार्टमेंट ने प्लानिंग किया होगा और आज ये हेडक्वार्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद में ये कैसा चलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हम जो बोल रहे हैं कि देश में 50 लाख स्टूडेंट अभी तक उन्होंने NIELIT के माध्यम से कोर्सेस अपने ख़त्म किए, पढ़ाई करी है, देश में हमारे भारत में नेचुरल टैलेंट बहुत है। मेरे पिताजी हमेशा बोला करते थे कि भारत के बच्चे हम स्पिरिचुअली नंबर वन हैं, हम मेंटली पूरे वर्ल्ड में हमने ये दिखाया। आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां, गूगल है, उनके सीईओ हमारे बच्चे हैं। फिजिकली हम नंबर वन हैं, सुशील पहलवान जैसे, दारा सिंह जैसे, बहुत सारे। तो सोशली हम नंबर वन हैं और नेचुरल टैलेंट हमारे बच्चों में बहुत ज़्यादा है। अब हमारी जो सरकार इतना कर रही है कि उनके टैलेंट को और निखार रही है और आजकल जो टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसमें जो टेक्नोलॉजी में सबसे आगे निकल जाएगा वो वर्ल्ड पावर बन जाएगा। और हमारे ये मंत्रालय के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से और इस डिपार्टमेंट के माध्यम से मुझे लगता है ये सपना भी NIELIT के द्वारा, स्किल इंडिया के द्वारा बहुत जल्दी पूरा होगा कि भारत के जो बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में जा रहे हैं, हार्डवेयर में जा रहे हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस बना रहे हैं और छोटे से बड़ा हर काम कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि वो दिन दूर है जिस दिन हमारे बच्चे इस देश को वर्ल्ड पावर बनाएंगे और पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को हमारी जरूरत पड़ेगी। आज ईश्वर करे इस कार्यक्रम में ये आशीर्वाद इस हेडक्वार्टर को मिले। आप सारे अधिकारी यहाँ पर, कोई स्किल मुझे बताया गया, मैंने पूछा तो स्किल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर नहीं चलेगा क्योंकि हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इंद्रलोक में आपका स्किल सेंटर चलता है और भी देश के 36-37 लोकेशन में चल रहे। और मुझे बड़ी खुशी हुई ये जानकर, जब मुझे मालूम पड़ा कि रूरल एरिया में जो बच्चे, जो माता पिता बहुत इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है, उनके बच्चों को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। तो जब तक ऐसे बच्चे नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक देश भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं आज अपनी सारी शुभकामनाएं आपको देता हूँ और रविशंकर प्रसाद जी का एक बार मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला और इस कार्यक्रम में आए। पीपी चौधरी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप इस क्षेत्र में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। एक चीज की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित जरूर करना चाहूंगी,
आज नाइलिट के सभी एम्प्लॉयज, चाहे वो ऑफिसर हो चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, वो सभी एक ही वेशभूषा में, एक ही पोशाक में हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। तो माननीय, ये हमारे संगठन की एकजुटता को भी दर्शाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आजकल जो सब एक समान की जो विचारधारा की तरंग है हमारे देश में, उसकी भी एक प्रतिध्वनि है ये, उसका एक बहुत ही खूबसूरत प्रयास। आज माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा जो 3 ई-लॉन्चेस होने जा रहे हैं, पहले मैं उनके बारे में आपको बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूंगी। ई कंटेंट ऑफ नाइलिट कोर्सेज से ग्रामीण और रिमोट क्षेत्र के युवा 24/7 कहीं भी कभी भी लाभान्वित हो सकते हैं। इससे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेवलपमेंट तथा डिजिटल लिटरेसी को मिलेगा एक नया विस्तार। सिंगल मॉड्यूल सर्टिफिकेट, नाइलिट की OABC राष्ट्रीय स्कीम के कैंडिडेट्स के द्वारा लगाए गए एक एक मिनट को भी कीमती समझते हुए हम उनके द्वारा पास किए गए एक एग्जाम का भी उन्हें सिंगल मॉड्यूल सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे, ताकि उनके रोजगार के राह में कोई भी रुकावट ना आए। ऑनलाइन एक्रेडिटेशन सॉफ्टवेयर, ये नाइलिट की वेब सर्विसेज का लेखा जोखा है, जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इससे सभी स्टेक होल्डर्स को मदद तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ ट्रेनिंग पार्टनर्स को भी मिलेगा एक बहुत ही नया विश्वास। अब हम माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी से विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपया ई कंटेंट ऑफ नाइलिट कोर्सेज को राष्ट्र को समर्पित करें माननीय माउस को क्लिक करके। जी हाँ, ई कंटेंट ऑफ नाइलिट कोर्सेज ये अंग्रेजी में भी उपलब्ध है और जल्दी ही हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित किया जाएगा। और अब हम माननीय आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया सिंगल मॉड्यूल सर्टिफिकेट को इश्यू करके इस स्कीम का शुभारंभ करें। पहले माउस को क्लिक करें माननीय। जी हाँ, ये भी शुभ शुरुआत हुई और अब ये सर्टिफिकेट भी जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट में सिक्योरिटी फीचर्स हैं और कोई भी एम्प्लॉयर कैंडिडेट इसे रियल टाइम में वेरीफाई भी कर सकता है। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो यूनिवर्सिटी नहीं जा पाए हैं आर्थिक कारणों से या किसी भी अन्य कारणों से, तो ये कैंडिडेट्स कोर्स पूरा ना भी करें तो भी उन्हें ये सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रयास माननीय। अब हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया ऑनलाइन एक्रेडिटेशन सॉफ्टवेयर का शुभारंभ करें। ऑनलाइन एक्रेडिटेशन सॉफ्टवेयर, जी हाँ, ये ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण को नया निखार देगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और अब वो शुभ घड़ी जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, हम माननीय मंत्री महोदय से विनम्र अनुनय करते हैं, माननीय राज्य मंत्री महोदय से भी अनुरोध करते हैं। माननीय मंत्री महोदय, कृपया नाइलिट भवन के उद्घाटन पट्टिका का अनावरण करें और इस शुभ कार्य को अंजाम दें जिसका हम सभी को इंतजार है। और ये देखिए कितना हाईटेक हो गया है, डिजिटल हो गया है, मोबाइल पर भी वो रिमोट की सुविधा आज उपलब्ध है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इसकी आधारशिला भी आपने रखी थी और इस बिल्डिंग की आपने शिलान्यास जो रखा था उसी का आज उद्घाटन आपने किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इमारत बताती है कि नींव कितनी बुलंद है और इसकी नींव में और इस इमारत की बुलंदी की आधारशिला जो है बेसिकली माननीय मंत्री जी का अति स्फूर्तिदायक नेतृत्व है जो हम सभी को प्रेरित करता है। मैनेजमेंट के एक्टिव और कामयाब एफर्ट्स भी हैं और उनका डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन भी है और इसीलिए 2 साल से भी कम अवधि में इस कंस्ट्रक्शन को हम मंजिल तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। तो आइए इसी बारे में, इस कामयाबी के सफर के बारे में देखते हैं एक फिल्म। सूचना प्रौद्योगिकी का भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस क्षेत्र में निरंतर रूप से दुनिया के सर्वोत्तम और होनहार कर्मियों को तैयार करके भारत एक विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है।
स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि युवा पीढ़ी भारत को सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों तक ले जाएगी। इसी सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT युवाओं को सशक्त कर सामर्थ्यवान बना रहा है। आधारित शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी विशिष्टता स्थापित की है। ये अपने स्टैंडर्डाइज्ड पाठ्यक्रमों के माध्यम से औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र में युवाओं को सक्षम बना रहा है। NIELIT अपने स्वयं के 36 केंद्रों, लगभग 750 प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर्स एवं 9000 के करीब फैसिलिटेशन सेंटर्स के माध्यम से देश के लगभग सभी दूर दराज क्षेत्रों में कौशल विकास के कार्य कर रहा है। NIELIT भवन की कल्पना सन 1998 में की गई थी, जिसके लिए DDA ने सन 2001 में 1 एकड़ जमीन का आवंटन किया था। CPWD को सन 2001 में भवन निर्माण हेतु चयनित किया गया था, परंतु किन्हीं कारणों से निर्माण कार्य की शुरुआत नहीं हो पाई। मौजूदा प्रबंधन की दूरदर्शिता के कारण NIELIT भवन के निर्माण कार्य को नए उत्साह और दृढ़ संकल्प के साथ सन 2012 में फिर से शुरू किया गया। मई 15, 2015 को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा भवन निर्माण की नींव रखी गई। NIELIT की ये नई बिल्डिंग जो 18 महीने में बनकर तैयार होनी चाहिए, वो सिर्फ एक हेडक्वार्टर्स नहीं होना चाहिए, वो डिजिटल एम्पावरमेंट का देश का केंद्र बनना चाहिए, ये मेरी आपसे अपेक्षा है। साथ साथ सभी महानुभवों द्वारा हर भारत के उद्देश्य के अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया गया था और आज ये पेड़ स्वच्छ और हरित भारत का संदेश दे रहे हैं। NIELIT द्वारा समयबद्ध मॉनिटरिंग एवं CPWD के सहयोग से NIELIT भवन 2 वर्षों से कम के भीतर एक हकीकत का रूप ले चुका है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये शानदार भवन सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकीकरण का एक प्रतीक है। इस भवन में कौशल विकास के कार्यों द्वारा दुनिया के सबसे बेहतरीन कार्मिक तैयार किए जाएंगे। ये NIELIT भवन का उद्घाटन आज माननीय केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि और न्याय श्री रवि शंकर प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा माननीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी तथा विधि और न्याय श्री PP चौधरी जी, माननीय सांसद पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र श्री परवेश साहिब सिंह, माननीय विधानसभा सदस्य कर्नल देविंदर सहरावत की गरिमामय उपस्थिति में संपन्न हो रहा है। मंत्री के दिशा निर्देशों की अनुपालना एवं भारत सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के अभियान के तहत पर्यावरण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए NIELIT भवन में सौर ऊर्जा के उपकरणों को स्थापित किया है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अपनाते हुए ये भवन एक स्मार्ट बिल्डिंग की मिसाल है, जिसमें इस बात का ध्यान भी रखा गया है कि तकनीकीकरण का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की बचत करने का आह्वान किया था, जिसमें उन्होंने सभी सरकारी कर्मचारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार साइकिल से दफ्तर जाने का सुझाव दिया। NIELIT ने पिछले सप्ताह #cycle2work अभियान की शुरुआत की है। कदमों में एक और नई कड़ी है। इसके माध्यम से NIELIT भारत सरकार के नए भारत के स्वप्न को साकार करने में अग्रसर रहेगा। इसमें जो
आपने साइकिल टू वर्क पहल के बारे में सुना तो हम आपको बता दें कार्यक्रम के बाद आप लोग इसकी एग्जीबिशन भी देख सकते हैं साइकिल टू वर्क जो हमारी पहल है उसके बारे में और इसके मद्देनजर वहां पर कुछ साइकिल्स भी रखी हुई है जिसमें हमारे सारे एम्प्लॉय ऑफिस आते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का बहुत ही पॉजिटिव असर हुआ है नाइलिट के ऊपर। नाइलिट भवन के समय से पहले और भव्य रूप में पूरा हो जाने में यदि बहुत सारे योगदानों में से उन लोगों के योगदान को हम न सराहें जिन्होंने एक्चुअली एग्जीक्यूट किया तो इस पूरी बिल्डिंग के निर्माण कार्य को तो ये बात अधूरी ही रह जाएगी। हम माननीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि कृपया इस योगदान के लिए श्री अभय सिन्हा जो कि डीजी हैं सीपीडब्ल्यूडी के उन्हें फेलिसिटेट करें और उनके बिहाफ पर श्री रमेश चंद्रा चीफ इंजीनियर यहां पर मौजूद हैं मैं उनसे निवेदन करूंगी कि मंच पर पधारें। ये सम्मान पत्र है सीपीडब्ल्यूडी के लिए। बहुत ही कम समय में निर्धारित समय से भी कम समय में ये कार्य पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम माननीय राज्य मंत्री महोदय श्री पीपी चौधरी जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया श्री सुराजी जराधरा डायरेक्टर बिल्डिंग डीडीए उनसे मैं निवेदन करूंगी कि मंच पर आए उन्हें माननीय श्री पीपी चौधरी जी सर्टिफिकेट सम्मान पत्र प्रदान करेंगे और साथ ही के उपाध्याय जो कि सीपीडब्ल्यूडी के कॉन्ट्रैक्टर हैं उन्हें भी सम्मान पत्र प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय माननीय श्री पीपी चौधरी लोक सेवा को समर्पित राजस्थान की धरती के जमीन से जुड़े हुए अनुभवी व्यक्तित्व हैं। पूरी श्रद्धा से डिजिटल इंडिया से सशक्त भारत के सपने को साकार करने में कर्मठता से लगे हुए हैं। हमारा आपसे अनुरोध है माननीय कृपया हमें अपनी शुभकामनाएं दें। माननीय कानून एवं न्याय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्री श्रीमान रविशंकर प्रसाद जी, माननीय सांसद परवेश साहिब सिंह जी, माननीय विधायक कर्नल रिटायर्ड देवेंद्र जी सेरावत, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी संजीव जी मित्तल और डीजी नाइलिट डॉक्टर अश्विनी कुमार, सभी यहाँ पर विराजमान नाइलिट परिवार, डिस्टिंग्विश्ड इनवाइटीज, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के दोस्तों, मुझे इस बात की खुशी है कि जो इतने कम समय में बंद करके भव्य इमारत आज जिसका इनॉग्रेशन है हेडक्वार्टर का नाइलिट हेडक्वार्टर का, जिसकी जरूरत के साथ साथ एक ऐसे समय में बनी है, पूरे देश में आज डिजिटल एजुकेशन की जिस हिसाब से जरूरत महसूस की जा रही है मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें ये कामयाबी हासिल करेगी। और जो द्वारका को इन्होंने चुना है ऐसा प्लेस जो कि हर तरह से महत्वपूर्ण है, हमारे साइबर सिटी के नज़दीक होने के साथ साथ एयरपोर्ट के भी नज़दीक हैं, मैं बहुत बहुत नाइलिट के डीजी और नाइलिट परिवार को इसमें बहुत बहुत मेरी तरफ से बहुत ही ग्रीटिंग्स। और जिस हिसाब से नाइलिट के सेंटर्स हैं पूरे देश में आज लगभग 36 सेंटर्स हैं और मेरा मानना है कि जिस हिसाब से डिजिटल एजुकेशन का फैलाव हो रहा है, जिस हिसाब से जरूरत है, जिस हिसाब से जरूरत महसूस की जा रही है, वो हर राज्य में होना जरूरी है ये फर्स्ट पेज में एटलीस्ट, लेकिन धीरे धीरे हर जिले में भी होना बहुत जरूरी होगा क्योंकि इसको हमें इसकी जरूरत महसूस होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन डिजिटल इंडिया, जहां पर हम मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया की बात करते हैं और ये विजन जो है
एक ऐसा देश के लिए रिवॉल्यूशन साबित होगा जो पूरे विश्व में एक अपने आप में टेक्नोलॉजी में जो क्रांति लाने का काम करेगा उसमें इंडिया जो है आने वाले समय में सबसे टॉप रहेगा। और जहां तक डिजिटल इंडिया के विजन एरिया की हम बात करें, जहां पिलर की बात करें, तो उसमें हमें देखना होगा कि नाइलेट भी अपने आप में एक, जिस हिसाब से डेमोक्रेसी के तीन पिलर हैं उसी तरह से डिजिटल इंडिया के विजन में नाइलेट भी अपने आप में एक पिलर है, क्योंकि डिजिटल एम्पावरमेंट जो है वो बहुत जरूरी है डिजिटल इंडिया के विजन में। और जहां तक विजन एरिया दूसरे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम, और चाहे ई गवर्नमेंट हो या सर्विस ऑन डिमांड हो, ये तीन विजन में जो अगर दोनों विजन को अगर मजबूत रखना है, चाहे ई गवर्नेंस हो या सर्विस ऑन डिमांड हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, जिस हिसाब से इसका फैलाव हो रहा है उस हिसाब से नाइलेट की जो है उसकी जरूरत महसूस ज्यादा की जा रही है। और जिस हिसाब से एजुकेशन की बात करें हम, जिस हिसाब से इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश में, हम आप देखें अर्बन एरिया में तो काफी हो गया है, लेकिन रूरल एरिया में जिस हिसाब से 250,000 ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर केबल से कवर करना, और यही नहीं वहां पर डिजिटल इंडिया के रूप में जिस हिसाब से उन लोगों को जो 83 करोड़ पॉपुलेशन हमारे गाँव में रहती है उनको डिजिटली लिटरेट करना, ये नाइलेट के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसमें जब हम कामयाबी हासिल करेंगे कि किस तरह हम डिजिटल इंडिया बॉटम से टॉप तक, जहां तक डिजिटल लिटरेसी की 20 घंटे की बात है, चाहे बल्कि साइबर सिक्योरिटी के मामले में 200 घंटे की बात है, चाहे और डिग्री की बात है, तो डिजिटल लिटरेसी से PhD तक के प्रोग्राम जो है वो नाइलेट जो अलग अलग रूप में ये कर रहा है। हम मानते हैं कि आज जहां तक सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या IT और IT एनेबल सर्विस ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जो ट्रेनिंग है, जो एक स्किल की जरूरत है देश में आज, क्योंकि हम आज 3.5 लाख करोड़ के लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, चाहे मेडिकल हो चाहे और तरह की डिवाइसेस हैं, हम इम्पोर्ट करते हैं। इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जो है वो पूरे देश में फैला होना और इस तरह का स्किल डेवलपमेंट मिलना हमारे युवाओं को बहुत जरूरी है। हम हालांकि हमारे IT और IT एनेबल सर्विसेज की बात करें, हम उसमें एक्सपोर्ट करते हैं और हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी और भी जो है बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें बहुत ही संभावना है। और ई गवर्नेंस की बात करें या सर्विस ऑन डिमांड की बात करें, पूरा का पूरा एडिफिस ई गवर्नेंस एंड सर्विस ऑन डिमांड की बात करें, चाहे सरकारी कार्यालय की बात करें चाहे आम जनता की बात करें, जब तक हमें डिजिटल लिटरेसी नहीं मिलेगी, डिजिटल इसमें एजुकेशन नहीं मिलेगी, तब तक ये कार्यक्रम जो है ई गवर्नेंस हो या सर्विसेज हो, हमारे ग्रामीण जो सर्विसेज ले रहे हैं, हम आम नागरिक सर्विसेज ले रहे हैं, वो सक्सेसफुल जो है वो डिजिटल लिटरेसी के द्वारा होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का मानना कि जो आने वाले कुछ समय में हमारे 6 करोड़ लोग जो हैं उसमें स्किल डेवलपमेंट मिलना चाहिए, मेरा मानना है कि जहाँ तक नाइलेट का मामला है, नाइलेट इसमें बहुत कामयाबी हासिल कर सकता है, बहुत स्किल डेवलपमेंट दे सकता है, वो इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकता है, और भी जो है इस तरह के कार्यक्रम करके वेरियस टाइप के सर्टिफिकेट्स जो है, चाहे ओ हो चाहे ABC हो, इस तरह के फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में सर्टिफिकेट जारी करने का काम अभी कर रहा है, ये बहुत ही अच्छा है। जहां तक अभी जो सबसे ज्यादा सख्त जरूरत जो महसूस की जा रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना फास्ट नहीं किया जा सकता है, टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से फास्ट स्पीड से चल रही है, हम जो मोबाइल गवर्नेंस है, आज हमारे देश में लगभग 102 करोड़ मोबाइल लोगों के पास में मोबाइल हैं, और उसके अलावा 35 करोड़ लगभग स्मार्टफोन हैं। हम चाहते हैं कि, क्योंकि जब इनका मैं ब्रोशर पढ़ रहा था उसमें लगा था कि 70 जो मोबाइल एप्स हैं वो विभिन्न कोर्सेज की जो हैं, कई कोर्सेज की जो 11 लैंग्वेज भाषाओं में जारी की जा चुकी हैं, तो उसके लॉन्च होने से जो स्मार्टफोन है उसके द्वारा हम उसको डिजिटल लिटरेसी से लगा करके जो भी नाइलेट के द्वारा एजुकेशन दिया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट दिया जा रहा है, वो हमारे गांव में रहने वाले भी, दूर दराज में रहने वाले भी ऑनलाइन उसका फायदा ले सकेंगे। लेकिन मैं नाइलेट से ये भी कहूंगा कि इस बारे में भी गंभीरता से सोचें कि ऑनलाइन का तो है, लेकिन उसके साथ साथ में हम ऑफलाइन क्या इस तरह के डिवाइसेज जो है वो जनरेट कर सकते हैं,
जिससे हम ऑफलाइन भी जो अपने मोबाइल अपने कंप्यूटर में लगा करके अपने किसी सिस्टम में लगा कर करके उसको ऑफलाइन भी सारा का सारा कोर्स कंटेंट जो है हम ऑफलाइन भी मार्केट में भेज सकें, जिससे कि डिजिटल लिटरेसी को हम एक स्पीड दे सकें। जहाँ तक NIELIT के खुद की बात है, कोर्सेज की सेंटर्स की बात है, वो सेंटर्स हम आज देखते हैं पूरे देश में वो काफ़ी नहीं होते हैं। उसके लिए जो एक्रीडिटेशन का काम करता है NIELIT, करीब 700 सेंटर्स जो हैं ऐसे एक्रीडिटेड सेंटर हैं और उसके फैसिलिटेशन सेंटर जो है करीब 9000 हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके सामने, क्योंकि बहुत ग्रोथ की जरूरत है, बहुत संभावनाएं हैं इसमें इस क्षेत्र में, तो एक्रीडिटेड सेंटर भी बढ़ाने होंगे। और जो ऑनलाइन एक्रीडिटेशन का जो आज ये बताया है उससे और भी जो है हमारे काम जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक्रीडिटेशन देना और फैसिलिटेशन का काम जो है जो मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा हो रहा है वो कई फैसिलिटेशन सेंटर के को रिप्लेस करेगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। जो डिजिटल पेमेंट हमारे हाल ही में जो डीमोनेटाइजेशन का काम हुआ, अगर इतना बड़ा मजबूत बेस देश में नहीं होता डिजिटल का, तो ये जो आज जिस हिसाब से डीमोनेटाइजेशन हुआ कुछ पता ही नहीं लगा। और हमारे जो युवा हैं जिस हिसाब से डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहन दे रहे हैं और जिस हिसाब से उसमें ग्रोथ हुई है, स्प्लेंडेड ग्रोथ हुई है, ट्रेमेंडस ग्रोथ हुई है डिजिटल पेमेंट के मामले में, और NIELIT ने भी अपना बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जगह जगह डीजी मेला भी लगाए हैं और उसके अलावा ट्रेनिंग भी इम्पार्ट की है। लगभग 1,30,000 लोगों को जो है वो ट्रेनिंग दी है। आने वाले समय में NIELIT के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो मैं मानता हूं कि उसको बहुत ही अच्छी तरह से करेंगे, जहां तक GST की ट्रेनिंग के बारे में बात है, जहां GST के बारे में लिटरेसी के बारे में बात है, वो पूरे देश में जिस समय लागू होगा NIELIT को पहले ही बहुत अच्छी तरह से तैयार होकर करके इस बात को हम किस तरह से ट्रेडर्स तक पहुंचाएं, हम किस तरह से आम आदमी तक पहुंचाएं, हम किस तरह से जो मोबाइल गवर्नेंस के आपके 70 एप्लीकेशंस हैं उसमें हम GST को भी साथ लेकर करके उसके कंटेंट जो ई कंटेंट जो है उसका पोर्टल भी हो तो बहुत आसानी रह जाएगी। और जिस हिसाब से ये काम हो रहा है उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी वगैरह का जो आप एजुकेशन दे रहे हैं वो भी जो है ई कंटेंट्स के द्वारा साइबर का जो नॉलेज जो है हमारे नागरिकों को हमारे युवाओं को अगर पहुंचेगा तो उससे बहुत फायदा होगा। और डिजिटल इंडिया के रूप में जिस हिसाब से एक कम से कम टाइम में डिजिटल सर्टिफिकेट जो ई सर्टिफिकेट दिया जा रहा है उससे अननेसेसरी जो टाइम भी खराब नहीं होता है और मैक्सिमम आउटपुट भी काम का आ जाता है। आज की तारीख में हम मानते हैं कि NIELIT जो है उसके लिए संभावना अगर दूसरे क्षेत्र में देखी जावे, आज हमें जरूरत है हमारे लाखों स्कूल हैं जो हैं, जो लगभग 3-4 लाख स्कूल जो हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, रूरल एरिया में हैं, अर्बन एरिया में हैं, आज हमें जरूरत है तो एजुकेशन जो है उसमें यूनिफॉर्म एजुकेशन नहीं मिल रहा है, तो 3D एजुकेशन जो हम इसमें कोर्स कंटेंट जो है चाहे सीनियर सेकेंडरी का हो चाहे सेकेंडरी का हो, इस तरह के कोर्स कंटेंट्स को 3D फॉर्म ऑफ एनिमेशन में कन्वर्ट कर करके ऑनलाइन और ऑफलाइन का काम जो है ये NIELIT ये भी कर सकता है। तो इसके बारे में भी गंभीरता से सोचा जाना चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू एंड कश्मीर में कम से कम 640 स्कूल ऐसी हैं जिसको सर्व शिक्षा अभियान और रमसा स्कीम के द्वारा जोड़ा गया है। इस तरह से वहाँ पर एजुकेशन के मामले में बहुत ही फायदा होगा। और इन सारों को अगर लमसम में देखा जाए जिस हिसाब से डिजिटल लिटरेसी डिजिटल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम होने से हमारे युवाओं को रोजगार के रास्ते खुलेंगे, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, जॉब मिलेंगे, तो मुझे इस बात की खुशी है कि जिस हिसाब से इनके अलग अलग फील्ड में अलग अलग सेक्टर्स में MOU करके चाहे इंडस्ट्री का सेक्टर हो जिससे स्किल डेवलपमेंट को प्रोत्साहन दिया जा सकता है। इतना ही कहकर के मेरे वाणी को विराम दूंगा। मैं पुनः NIELIT फैमिली को और DG को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस हिसाब से फाइनेंशियल ग्रोथ भी की है और फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ साथ जो आपके सामने चैलेंजेज हैं उनको भली भांति आप सब पूर्ण करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ एंड जस्टिस श्री रविशंकर प्रसाद जी के बारे में
जितना भी कहा जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में कुछ जरूर कहना चाहूंगी। माननीय श्री रविशंकर प्रसाद जी सही मायनों में नई दिशा, नई सोच और नई ऊर्जा के पर्याय हैं। मंत्रालय में आपके प्रखर नेतृत्व में कई लैंडमार्क इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं जो करवट बदलते बदलते और बढ़ते भारत की एक के बाद एक नई नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। आप इस बात के पक्के हिमायती हैं कि IT प्लस IT इक्वल्स IT, यानी इंडियाज टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वुड गिव अस इंडियाज टुमारो। आपकी वाणी और बुद्धि में साक्षात मानो सरस्वती का वास हो। हमारी आपसे विनम्र विनती है माननीय कि कृपया हम सभी का मार्गदर्शन करें, हमें अपना आशीर्वाद दें। मंत्रिपरिषद में सहयोगी मित्रवत पीपी चौधरी, यहां के लोकप्रिय सांसद रवि साहिब सिंह वर्मा, देवेंद्र जी विधायक संजीव मित्तल, अश्वनी शर्मा देवी और सज्जनों, मैं देख रहा हूं मंच से गर्मी बहुत है इसलिए लंबा भाषण नहीं देना चाहिए, पहली बात तो मुझे ये लग रही है, लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज इस भवन के उद्घाटन के समय क्रांति हो रही है। अगर आप पूरे भारत में घूमिए तो चाहे प्रदेश सरकार के भवन हो या केंद्र सरकार के भवन, उसके शिलान्यास और उद्घाटन की पट्टियों की तुलना करिए आप। शिलान्यास एक मंत्री ने किया, उद्घाटन दूसरे मंत्री ने किया। यह शायद एक पहला भवन होगा दिल्ली में कम से कम जिसका शिलान्यास भी एक मंत्री ने किया और उद्घाटन भी वही मंत्री कर रहा है। और सही कहा प्रवेश जी ने, शिलान्यास की पट्टी पर मेरा भी नाम है, प्रवेश जी का भी नाम है, सिरावत जी का भी नाम है, अश्वनी का भी नाम है, हां उद्घाटन ने पीपी चौधरी का नाम जुड़ा है। जहां इसके लिए मैं CPWD के लोगों को बधाई देता हूं, अच्छा काम किया है, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। वो ये भी कहना जरूरी है ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, यहां ऐसे ही काम होता है, काम समय से। देखिए अभी पीपी चौधरी ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे थे, मैं पहले देश का संचार मंत्री भी था, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना था। जब हमारी सरकार आई थी तो पहले यह नोफन था, 2011 में शुरू हुआ था, 3 साल में 358 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर रखा गया था। आज 2.5 साल में 1,80,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया। नाइलेट पहले भी था, नाइलेट आज भी है। अब अभी मुझे बता रहे थे कि संजीव की नॉर्थ ईस्ट में 18 हमारे सेंटर खुले हैं और हर प्रदेश में एक एक सेंटर होंगे। अभी अश्विनी ने, पीपी ने विस्तार से पूरी चर्चा की है कि नाइलेट क्या क्या कर रहा है, मैं उसको दोबारा दोहराऊंगा नहीं। लेकिन हमने क्या किया मंत्री बनने के बाद, नाइलेट को गरीबों से जोड़ो, नाइलेट को छोटे कस्बों में ले जाओ, नाइलेट को हिंदुस्तान के बदलाव का माध्यम बनाओ, यह है डिजिटल इंडिया। और इसीलिए चाहे वो डिजिटल इंडिया हो, वो मेक इन इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, ये सब भारत को बदलने के कार्यक्रम है। अब देखिए अभी जो कई कार्यक्रमों का जो मैंने उद्घाटन किया, अब आप समझते हैं कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट अवेलेबल है गांव के बच्चों के लिए, उनको दिल्ली नहीं आना पड़ेगा, उनको पटना, लखनऊ, जयपुर नहीं आना पड़ेगा। अब हमने जॉब फेयर लगाया, लगभग 3,000 लोगों को नौकरी मिली। अब इसको हम जो मोबाइल ऐप के माध्यम से और इसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और देखिए प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान के बदलने वाले लोगों का क्या सम्मान करते हैं जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से या बाकी काम से देश को बदल रहे हैं। आज मैं इसके 2 उदाहरण देना चाहूंगा। एक को पीपी चौधरी ने अच्छा काम किया है, जोड़ा भी है नाइलेट्स, इमरान खान। ये इमरान खान कौन है?
मोदी जी लंदन गए थे और भाषण दे रहे थे भारतीयों के बीच, कहा अलवर के इमरान खान हिंदुस्तान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैं उस समय संचार मंत्री था, मैंने सीएमडी बीएसएन को कहा कि भैया मुझे कल इनसे बात कराओ और वहां के जीएम को बोलो मेरी तरफ से गुलदस्ता दे अलवर में। तो सुबह 9 बजे फोन आया कि सर आपका वो इंतजार कर रहे हैं, मेरे जीएम खड़े। मैंने बात किया उनसे, पूछा जनाब आप क्या करते हैं, मालूम है आपका कल पीएम ने नाम लिया था लंदन में। अजी जनाब मैं तो सो गया था, मुझे पड़ोसी ने उठाया, उठो पीएम तुम्हारा नाम ले रहे हैं। कहा क्या करते हैं आप, कहेंगे सर मैं तो एक संस्कृत स्कूल में गणित का शिक्षक हूं। हमने कहा और क्या करते हैं, कहा मैं ऐप्स बनाता हूं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बच्चों के लिए। कहा कितने बच्चे यूज करते हैं, 40 लाख बच्चे यूज करते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री को मालूम है कि छोटे शहर अलवर का आदमी बच्चों को डिजिटली इम्पावर कर रहा है, और हमने क्या किया कि उसको सम्मान दिया NIELIT में कंसल्टेंट बना करके, ये हम काम करते हैं। और मुझे अश्विनी को बधाई देना है कि जो 70 मोबाइल ऐप बेसिक आईटी लिटरेसी के लिए वो डेवलप कर रहे हैं, उसमें इमरान खान के अनुभव का भी वो लाभ लेने वाले हैं। अच्छी बात। आज मैं आपको एक करीमुल हक की बात बताना चाहता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी प्रवेश, मैं चाहता हूं ये चीजें नीचे जानी चाहिए, आम आदमी के लिए क्या सोचते हैं। एक करीमुल हक जलपाईगुड़ी के टी गार्डन में मजदूर है, उनकी माता जी गुजर गई क्योंकि उनको वहां मेडिकल एम्बुलेंस नहीं पहुंच सका। उन्होंने अपने जीवन का व्रत बना लिया कि हम अब गरीबों को मेडिकल एड देंगे, अस्पताल ले जाएंगे, और अपने मोटरसाइकिल पर उन्होंने एम्बुलेंस बनाया। और कोई गरीब, क्योंकि पहाड़ों में सड़क बहुत कम है आपको पता है, तो उस गरीब को अपने कमर में बांध लेते हैं और मोटरसाइकिल से मेडिकल एड के लिए अस्पताल ले जाते हैं। उन्होंने 2000 लोगों की जान बचाई। एक दिन पीएमओ से उनके पास फोन गया कि आप करीमुल हक हैं, आप ऐसा काम करते हैं। कहा जी जनाब। कहा लीजिए भारत के प्रधानमंत्री आपसे बात करेंगे। और प्रधानमंत्री ने उनसे बात की और कहा तुम्हें इस साल पद्मश्री दे रहे हैं क्योंकि तुम देश को बताने का काम कर रहे हो। अब आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि एक साधारण टी बगान के मजदूर को भारत का प्रधानमंत्री रिकग्नाइज करता है, उसके काम को पहचानता है और कहता है लो तुम्हें पद्मश्री दे रहे हैं। इमरान खान के काम को पहचानते हैं, लंदन में उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हम अपने सारे संगठनों को ऐसा बना रहे हैं कि वो अच्छा काम करें, वो तो करना ही पड़ेगा, ये मोदी जी की सरकार है, लेकिन जनता से जुड़े। और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि NIELIT ने जो अपने कार्यक्रम बनाए हैं अपने 700 सेंटर में, 9000 फैसिलिटेशन सेंटर में, उनको आम आदमी के साथ जुड़ना चाहिए, आम आदमी को और मजबूत करना है। और जो बदलाव का कार्यक्रम है देश में, उसमें आम आदमी इंपावर्ड बने, द कॉमन मैन मस्ट बिकम इंपावर्ड, ये पूरी सोच है डिजिटल इंडिया की। तो उससे हमारे विभाग के लोग काम करें, सारी संस्थाएं काम करें। तो अच्छी बिल्डिंग बनी है, बाकी विस्तार से सारे कार्यक्रम की चर्चा हो चुकी है। एक बात मैं परवेश जी बताना चाहूंगा, आपको जानना चाहिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक का भी मंत्री हूं। जब हमारी सरकार आई थी तो उस समय कितने मोबाइल फोन थे, आज पीपी 108 करोड़ हो गए, 102 करोड़ नहीं 108 करोड़ हो गए मोबाइल फोन। तो पिछले 2-2.5 साल में हमने इस देश में इतना मोबाइल फोन जोड़ा है जितना इटली और फ्रांस की जनसंख्या है। आप बात समझते हैं, यह है भारत की तकदीर और तस्वीर। तो यहां बनना भी चाहिए, पिछले चलो बहुत बढ़िया, अभी बताता हूं, धन्यवाद। पिछले 2 साल में 72 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री आ गई हिंदुस्तान में, 72, जिसमें 42 मोबाइल बनाती है और 30 चार्जर बैटरी बनाती है। और आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो है, यहां 22 फैक्ट्री आई है। तो भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हब बन रहा है। अभी हम 6 करोड़ लोगों को डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम देने वाले हैं, मतलब 6 करोड़ परिवार में एक आदमी को हम डिजिटल लिटरेट बनाएंगे।
और उसका सर्टिफिकेट NIELIT देगा। ये बड़ा कार्यक्रम जल्दी हम शुरू कराने जा रहे हैं। इसका मतलब समझती हैं आप कि 6 करोड़ परिवार को अगर हमने डिजिटली साक्षर बनाया तो देश में कितनी मजबूती आएगी। तो ये सब काम हम कर रहे हैं। संजीव मित्तल, मैं तुम्हें निर्देश दूंगा कि GST के ट्रेनिंग में NIELIT का उपयोग होना चाहिए, और अगर आवश्यकता होगी मुझे तो मैं अरुण जेटली से बात करूंगा तो भी GST के अभी डिजिटल पेमेंट में NIELIT ने अच्छा काम किया है, ट्रेडर्स को ट्रेन किया है। तो GST के ट्रेनिंग में जो व्यापारी हैं, GST में कैसे करना है, क्या करना है, तो ये काम देखने की जरूरत है, ये काम होना चाहिए, ये मेरा निर्देश है। अभी मुझे प्रवेश जी ने एक बहुत बड़ी बात बता दी कि हमारी सरकार और पिछली सरकार कैसा काम करती है। इसका निर्णय कब किया गया? 98 में किसकी सरकार थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2004 में जमीन का पोजेशन दे दिया गया और बाउंड्री वॉल हो गया। 2004 तक सरकार भी वाजपेयी जी की थी, जमीन विन तो हो गया। उसके बाद 10 साल तक क्षमा करिए कुछ नहीं हुआ। 2015 के मई में इसका शिलान्यास हुआ और 2017 के मई में इसका उद्घाटन कर रहे हैं। ये होती है काम करने वाली सरकार। तो मेरा बहुत अभिनंदन, शुभकामनाएं, अच्छा काम करिए और आगे बढ़ाइए। एक बात जरूर है, मैं चाहूंगा भारत सरकार के हमारे विभाग की सारी संस्थाएं गरीब आदमी को मजबूत करने में डिजिटल उपकरण का क्या क्या प्रयोग हो सकता है, हाउ टेक्नोलॉजी कैन बी लिवरेज टू इम्पावर पीपल। और मेरी बहुत सोच बहुत साफ है, डिजिटल इंडिया अमीरों के लिए कम, गरीबों के लिए अधिक है। और मेरी सोच होगी एक रिक्शा वाला, एक चाय वाला, एक पानी वाला, एक हमारे महिला गांव में काम करने वाली, ये सब डिजिटल साक्षर होकर भारत को आगे बढ़ाए। इसीलिए कानून मंत्री के रूप में मैंने डिजी लॉ का अभी उद्घाटन किया है। डिजी लॉ क्या है? गरीब महिलाओं को कॉमन सर्विस सेंटर पर जो पीड़ित है उनको कानूनी सहायता मिलेगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, प्री लिटिगेशन एडवाइस। ये सब काम हम लोग कर रहे हैं और ये सब काम कोई अलग अलग नहीं है, NIELIT हो या कॉमन सर्विस सेंटर हो या हमारे CDAC हो या बाकी विभाग हो या हमारा स्वयं का विभाग हो, ये सब मिलकर एक काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक बड़ा विजन, सबका साथ सबका विकास, हिंदुस्तान को दुनिया की बड़ी ताकत बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपका हृदय को छू लेने वाले संबोधन के लिए और अपनेपन से भरे हुए संबोधन के लिए। इस पावन मेला की स्मृतियां हमेशा के लिए ताजा रहे, इसीलिए हम माननीय मंत्री महोदय को आदर पूर्वक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। हमारा अनुरोध है डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा, डायरेक्टर जनरल NIELIT से, कि कृपया माननीय मंत्री महोदय श्री रवि शंकर प्रसाद जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मिस शीला VS, डायरेक्टर NIELIT दिल्ली सेंटर, आपसे आग्रह करती हूँ कि कृपया माननीय राज्य मंत्री महोदय श्री PP चौधरी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। श्री BN चौधरी, एडिशनल डायरेक्टर PNA, आपसे अनुरोध है कि कृपया माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह को मेमेंटो भेंट करें। जनाब शमीम खान, जॉइंट डायरेक्टर सिस्टम्स, आपसे गुजारिश है कि कृपया माननीय कर्नल देवेंद्र सहरावत को स्मृति चिन्ह भेंट करें। मिस चेतना राठौर, जॉइंट डायरेक्टर, मेमेंटो भेंट करेंगी श्री संजीव मित्तल, जॉइंट सेक्रेटरी को। डॉक्टर अश्विनी कुमार शर्मा को स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं श्री हिमानीश रॉय, जॉइंट डायरेक्टर फाइनेंस। हमारा आग्रह है अब श्री राजीव तलवार, चीफ फाइनेंस ऑफिसर NIELIT से, कि कृपया आभार प्रकट करें। धन्यवाद मनीषा जी।
सर्वप्रथम मैं सभी माननीय अतिथिगणों का आज नव निर्मित नाइलिट भवन के उद्घाटन के पावन अवसर पर पधारकर इसे एक ऐतिहासिक अवसर बनाने के लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी आप सभी महानुभावों से यह प्रार्थना है कि मेरे धन्यवाद प्रस्ताव को केवल एक औपचारिकता मात्र नहीं बल्कि संपूर्ण नाइलिट परिवार की अभिव्यक्ति समझें। मैं माननीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी का संपूर्ण नाइलिट की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। महोदय, नाइलिट ने जब भी आपसे समय मांगा है हमेशा आपने अपना मूल्यवान समय देकर हमारा उचित मार्गदर्शन किया है, इसके लिए आपका सहस्र धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप हमेशा इसी प्रकार नाइलिट का प्रगति के पथ पर मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं माननीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी और विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री पीपी चौधरी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, आपके निरंतर अपने अवलोकन एवं पुनरावलोकन के माध्यम से नाइलिट की गतिविधियों का प्रगति के पथ पर अग्रसर किया है। मैं माननीय श्री प्रवेश साहिब सिंह जी और कर्नल देवेंद्र सहरावत जी का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपनी व्यवस्था से समय निकालकर नाइलिट भवन के उद्घाटन समारोह में भाग लेकर हमें अनुग्रहित किया गया। मैं हमारे प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव माननीय श्रीमती अरुणा सुंदरराजन जी, जो राजकीय विदेश यात्रा पर हैं, एवं संयुक्त सचिव श्री संजीव मित्तल जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनका सतत एवं निर्बाध सहयोग हमेशा हमें प्राप्त होता रहा है। मैं CPWD के उन सभी कर्मचारियों और सिविल कॉन्ट्रैक्टर का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने साधन, औजार, युक्ति व निर्माण के देवता विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से शिल्पकारी का अनूठा उदाहरण नाइलिट भवन के रूप में हम सबके सम्मुख प्रस्तुत किया है। आप सभी के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप भी नाइलिट भवन का निर्माण कार्य समय अनुसार संपूर्ण हो सका। साथ ही मैं DDA अग्निशमन विभाग, रेवेन्यू ऑफिस का भी आभारी हूँ, जिनके सहयोग के फलस्वरूप भी भवन निर्माण का कार्य निर्बाध संपन्न हो पाया है। मैं इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के अपने मित्रों का भी उनके सहयोग तथा इस कार्यक्रम की कवरेज हेतु हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मैं महानिदेशक नाइलिट का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में नाइलिट बुलंदियों को छू रहा है। साथ ही अपने सभी सहयोगियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके संरचनात्मक प्रतिभा एवं अथक प्रयासों के कारण ही अंततः यह सुखद परिणाम सामने आया है। संभवतः आज कई नाम उल्लेखित करने में मेरी चूक हो सकती है, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि उन सभी शुभ चिंतकों एवं प्रतिभागियों की सक्रियता एवं सहयोग के बिना नाइलिट एवं नाइलिट का यह कार्यक्रम ऐसी भव्य सफलताओं को प्राप्त नहीं हो सकते थे। मैं धन्यवाद करता हूं उन सभी को जिन्होंने नाइलिट भवन के शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक के सफर को नाइलिट के साथ सद्भावना से तय किया, और मेरा यह विश्वास है कि यह भवन देश और समाज दोनों के लिए फलदायक सिद्ध होगा। जय हिंद, जय भारत।